सरकारी संचार कंपनी BSNL को बड़ा झटका लगा है। BSNL के अल्मोड़ा SSA के अंतर्गत पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में लगने जा रहे 16 मोबाइल टावरों के निर्माण का कार्य निजी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जियो को मिल गया है। जानकारी के अनुसार जियो ने इसके लिए सर्वेक्षण का काम भी शुरू कर दिया है। BTS लगाने का ये काम जियो को दिए जाने से इस क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रही BSNL को करारा झटका लगा है। SSA क्षेत्र में पहली बार BTS लगाने का काम किसी निजी कंपनी को मिला है। वहीं BSNL के अल्मोड़ा SSA के महाप्रबंधक अनिल गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार ने पिथौरागढ़ जिले में 9 और चंपावत जिले में 7 BTS लगाने की स्वीकृति दे दी है। उन्होंने बताया कि USF के तहत इस कार्य के लिए जो टेंडर जारी किया गया है उसमें 4G स्पेक्ट्रम की होना अनिवार्य किया गया है। BSNL के पास 4G स्पेक्ट्रम नहीं होने के कारण ये टेंडर BSNL को नहीं मिल पाया। उन्होंने बताया कि इससे पहले ये कार्य BSNL को ही मिलता था क्योंकि बाकी निजी क्षेत्रों की कंपनियों के रेट ज्यादा होते थे और BSNL के रेट कम होते थे। यही नहीं, पूरे उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों में 28 मोबाइल टावर लगाने का कार्य जियो को मिला है। ये भारत सरकार की दूरसंचार मंत्रालय में एक संस्था है USOF। इसका काम ये रहता है कि जो नॉन प्रॉफिटेबल एरिया हैं या डिस्टेंट एरिया हैं वहाँ पे किस तरह से टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड किया जाए। तो भारत नेट प्रोजेक्ट जो है वो भी USOF के फंड से ही संचालित हो रहा है। तो उन्होंने देश भर में 354 और उत्तराखंड के 28 ऐसे गांवों में सेवा देने के लिए निविदा जारी की थी पिछले साल। संभवतः BSNL के पास 4G स्पेक्ट्रम ना होने के कारण इस टेंडर में शायद पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, इसलिए काम जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और जियो को दिया गया है। बता दें कि अल्मोड़ा SSA क्षेत्र के अंतर्गत पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों के सीमांत तथा दुर्गम इलाकों में नेटवर्क की दिक्कत बनी हुई है। संबंधित क्षेत्र के लोग इसे लेकर लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं। पंजाब केसरी TV के लिए अल्मोड़ा से निर्मल ओप्रीति की रिपोर्ट।